फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी थायराइड डिसऑर्डर हाइपोथायरायडिज्म के बारे में और कैसे आप होम्योपैथिक मेडिसिन से हाइपोथायरायडिज्म की बीमारी को ट्रीट कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आज मैं सिर्फ हाइपोथायरायडिज्म के बारे में बात करूंगी और बहुत ही जल्दी एक सेपरेट वीडियो में हम हाइपरथायरायडिज्म के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म और हाइपरथायरायडिज्म की दवाई भी अलग होती है। तो चलिए देख लेते हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल बटन को ही जरूर प्रेस कीजिए आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हाइपोथायरायडिज्म की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं ये हाइपोथायरायडिज्म होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे नेक में यानी कि गले में जो लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स होती है, उसके ठीक नीचे एक बटरफ्लाई शेप के थायराइड ग्लैंड रहते हैं और ये थायराइड ग्लैंड हमारे सांस नली के दोनों तरफ की दोनों लोब लगी हुई रहते हैं। और ये एक थायराइड ग्लैंड एक एंड्रोक्राइन ग्लैंड होता है जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे वाइटल फंक्शन में, जैसे कि हमारे मेटाबॉलिज्म में, हमारे बॉडी की ग्रोथ में, हमारे एनर्जी लेवल में, हमारे मूड रिडक्शन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। और थायराइड ग्लैंड से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन T3 यानी कि थायरोथायरोक्सिन और थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब ये थायराइड ग्लैंड सही से यानी कि काम ना करे और T3 और T4 की प्रोड्यूस ना होता है ठीक से, सही लेवल में इसके कमी हो जाते हैं बॉडी में, तो बहुत ही डिफरेंट सिम्टम देखने को मिलता है, जिस कंडीशन को ही हाइपोथायरायडिज्म कहते हैं। इस हाइपरथायरायडिज्म के कंडीशन में बहुत सारे सिम्टम डेवलप होती है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म पुअर होने के कारण वेट गेन हो जाता है, धीरे धीरे मोटापा दिखाई देती है, फैटिक यानी कि शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होता है, एनर्जी लेवल ठीक से रेगुलेट ना होने के कारण शरीर में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है, और फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलरिटी यानी कि मेंसेस में बहुत सारी इरेगुलरिटी, जैसे कि बहुत दिन तक पीरियड्स ना आना या पीरियड बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होना, ऐसे बहुत सारे सिम्टम दिखाई देती है। और इसके साथ साथ मसल में, जॉइंट्स में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, हेयर फॉल होता है, इंसोमैनिया यानी कि नींद डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक से नींद नहीं आती है, ऐसे सिम्टम दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहले मैं दो दवाई के बारे में बात करूंगी जिसे सभी को ही ले रहे हैं। अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म है और उसके शरीर में T3 और T4 यानी कि ट्राईआयरोथायरोक्सिन और थायरोक्सिन की लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है और TSH जो थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ही ज़्यादा सिम्टम डेवलप हो गई, जैसे कि मोटापा आ गई है, ऐसे जॉइंट्स में पेन है, वीकनेस है, थकान है, ऐसे कंडीशन में थायरोडिनम 3X दवाई जो टैबलेट मिलती है, वो दो टैबलेट की दोनों टैबलेट सुबह लेने हैं हर दिन, इसी तरह लगातार कुछ महीने तक लेने से बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। और दूसरी दवाई है ट्यूबरकुलिनम 1M पोटेंसी, जिसको लेने हैं दिन में एक बार। तो फ्रेंड्स, अब मैं कुछ ऐसे मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो आप आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग ले सकते हो हाइपोथायरायडिज्म के कंडीशन में। तो पहला मेडिसिन है कैल्केरिया कर्ब। हाइपोथायरायडिज्म के केसेस के लिए कैल्केरिया कर्ब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये मेडिसिन ज़्यादातर उन व्यक्तियों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो बहुत ही ओबेस पीपल है, मोटा लोगों के लिए। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा अगर चीली होता है यानी कि ठंड एकदम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगने की टेंडेंसी रहता है और हाइपोथायरायडिज्म के कारण पेशेंट बहुत ही ज़्यादा फैटी और फ्लैबी हो गई हो, वेट गेन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है, स्पेशली रात में जब सोती है या रात में उसके सर पे बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है इस कंडीशन में, और हाइपोथायरायडिज्म के साथ साथ अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है और कॉन्स्टिपेशन में पहले स्टूल बहुत ही ज़्यादा हार्ड आए, फिर उसके बाद सॉफ्ट स्टूल आए, इस कंडीशन
न्यूट्रिशन के लिए। और फीमेल्स में अगर हाइपोथायरायडिज्म के कारण अगर पीरियड बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता हो, बहुत ही ड्यूरेशन लॉन्ग रहता हो, बहुत ही दिन तक चलते हो, ऐसे समय की इस कंडीशन के लिए कैल्केरिया कर्ब एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको कैल्केरिया कर्ब की 30 cc पोटेंसी दिन में 3 कर 1 ड्रॉप्स लेने होंगे कुछ दिन तक या कुछ महीनों तक, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है हाइपोथायरायडिज्म के लिए सीपिया। अगर स्पेशली फीमेल्स को हाइपोथायरायडिज्म के कारण उसके मेंस्ट्रुएशन बहुत ही इरेगुलरिटीज है, मेंस्ट्रुअल इशू रहता है, जैसे कि पीरियड बहुत ही अर्ली होता है यानी कि डेट से बहुत ही ज़्यादा पहले हो जाती है, और ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसमें ब्लीडिंग एकदम बहुत दिन तक चलते हैं, और उसके जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम उसके पेट में एक बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है, जैसे कि सब कुछ निकल आएगा ऐसे लगता है, और इसके साथ साथ से पेशेंट अगर बहुत ही ज़्यादा वीक होता हो, बहुत ही ज़्यादा उसे चक्कर से आते हो ऐसे कंडीशन के लिए, और स्पेशली ज़्यादा ठंड के मौसम में गर्म रूम में रहने से भी उसे ठंड लगता है, बहुत ही ठंड लगने की टेंडेंसी रहता है, इस कंडीशन के लिए सीपिया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होता है। और इसके साथ साथ अगर हाइपोथायरायडिज्म के साथ साथ उसे हेयर फॉल भी होता है उस कंडीशन में भी सीपिया बहुत ही अच्छा काम करती है। आपको सीपिया की 30 cc पोटेंसी दिन में 3 कर 1 ड्रॉप्स लेने होंगे, आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलक्का। अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है और आप बहुत ही फ्लैबी हो, स्पेशली टमी एकदम बाहर निकल आ गया है, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा मोटा होती जा रही हो, तो इसमें फाइटोलक्का मेडिसिन आपको फैट को रिड्यूस करने में और आपको थायराइड लेवल को भी नॉर्मल करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करती है। तो आप इस मेडिसिन को 30 cc पोटेंसी में लेंगे और दिन में 3 कर 1 ड्रॉप्स लेने होंगे, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है बैरेटा कर्ब। अगर आपके बच्चियों को थायराइड है यानी कि हाइपोथायरायडिज्म है, हाइपोथायरायडिज्म के कारण उसके बहुत ही ज़्यादा मोटापा हो गया है, यानी कि धीरे धीरे वेट बढ़ता जा रही है और उसमें बहुत ही ज़्यादा वीकनेस रहता है, और इस कंडीशन के लिए अपने बच्चों को बैरेटा कर्ब की 30 cc पोटेंसी देंगे, दिन में 1-2 एक ड्रॉप्स करके दीजिए, आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स ये हो गए कुछ बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हाइपोथायरायडिज्म कंडीशन के लिए। लेकिन मैं इलाज में एक बात बताना चाहूँगी, अगर आपको हाइपोथायरायडिज्म है और आपको एलोपैथिक मेडिसिन ले रही हो और अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके नज़दीक या कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास जाकर आपके प्रॉब्लम के बारे में बात करिए, फिर आप मेडिसिन लीजिए, क्योंकि आप एक साथ दोनों मेडिसिन ले रहे हो, और आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीक या होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर एक बार आपके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कीजिए, फिर आप मेडिसिन लिए। तो अगर आप सबको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इसे इंफॉर्मेटिव लगी हो, और तो आप इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।